नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मरीज। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, जो आजकल लोगों को बहुत तेजी से ग्रसित होता जा रहा है। अगर इसका आप टाइम से उपचार इस बीमारी का नहीं करवा रहे हैं, या आपको पता नहीं इस बीमारी के बारे में, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो आप इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में ध्यान से देखिए और समझिए ये है क्या और इसका इलाज हम कैसे करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस को H3N2 का नाम दिया गया है, जो भारत में बहुत तेजी से ग्रसित होता लोगों को चला जा रहा है। अगर इसका समय पे आप इसका बचाव नहीं कर रहे हैं, तो यह जैसे कोरोना वायरस चला था, कोविड में लोग उसका पालन कर रहे थे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर इसमें आप चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह लोगों को एक वायरल फ्लू की तरह लोगों को ग्रसित करता जा रहा है, और लोग इसको नॉर्मल फीवर समझ करके इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यह धीरे धीरे आपके सीने को जकड़ता चला जा रहा है। सबसे पहले इसमें आपको सर्दी होगा, खांसी आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आपके सीने में, जिस तरह कोविड में लोगों को यह वायरस जकड़ता चला जा रहा था, उसी तरह यह भी वायरस है, लेकिन उससे कुछ अलग है। तो आप इसको बहुत जल्दी इसको ध्यान दीजिए और अपना टाइम से इलाज करवाइए, और इस बीमारी में आप अपने मन से दवा ना लें, ना ही कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग आप करें। जहां तक हो इस बीमारी में अगर आपको लक्षण पता चल जा रहा है, तो आप उतने समय आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे अपना दवा करवाएं। इस H3N2 वायरस में आपको सबसे पहले सर्दी होगा, बुखार होगा, आपको सीने में दर्द होगा, और इसके साथ साथ आपको निमोनिया भी हो सकता है, और आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके गले में खरखराहट भी हो सकती है। जब आप सांस लेते हैं या सोते हैं, तो आपके गले से आवाज खरखराहट की निकलती है, और इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, और आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगर इस तरह के आपको लक्षण H3N2 वायरस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, या आपके शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो आप घर ना बैठे तुरंत डॉक्टर से संपर्क। दोस्तों जहां तक हो इन्फ्लुएंजा वायरस में आप एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जितना भी कम हो उतना करें, क्योंकि ज्यादातर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से जो आपके अंदर जो वायरस रहते हैं, उससे वो और भी निडर हो जाते हैं। क्योंकि आप पहले हाई एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया है, तो धीरे धीरे जो वायरस रहते हैं, वह एंटीबायोटिक जो का शक्ति रहता है दवा का, वह झेलना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह एंटीबायोटिक इस इन्फ्लुएंजा वायरस में वह एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो जहां तक हो आप एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना बंद कर दें, और आप अगर इस इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित हैं, या आपको कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, या आपको सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो आप उतने समय मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को धोने के लिए आप जहां तक हो सैनिटाइजर या साबुन का जितनी बार हो उतनी बार आप स्वच्छ और साफ किया करें, और भीड़ भाड़ से आप बचें, ठंडी चीजों से आप परहेज करें, और जहां तक हो आप गर्म चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। आप जहां तक हो जितना आप कोरोना वायरस के समय आप जितना प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे थे या प्रोटोकॉल अपना रहे थे, उतना इसमें अगर अपनाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह ज्यादातर बच्चों और या जो पहले कोरोना या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या वह 50 साल के हों, तो उनको सबसे ज्यादा यह ग्रसित करता जा रहा है। सबसे ज्यादा तो बच्चों और बूढ़ों को यह इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वह ग्रसित करता जा रहा है, इससे कुछ लोगों का इसके चलते मृत्यु भी होती जा रही है। तो अगर आप इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित हैं, या आपको कुछ लक्षण इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, हो सकता है आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ने लगे। और इसके साथ साथ आप ज्यादा भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जहां तक हो आप अपने हाथ को क्लीन करने के लिए अगर कुछ खा रहे हैं, तो आप अच्छे साबुन से उसको क्लीन करें, उसके बाद आप किसी चीज का खाने का प्रयोग करें। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहें। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।